मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक कास्टिंग का मैटर का ऊपर अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये जो कास्टिंग के बारे में बता रहे हैं, देखो हम तो बिल्कुल प्योर प्रोडक्शन का आदमी है, टेक्निकल आदमी, लेकिन ये जो कास्टिंग का रिपोर्ट आपको दे रहे हो सकता है उसमें 19-20 का कास्टिंग का फ़र्क पड़ेगा। और ये मशीन कास्टिंग जो मैंने लिया, समझ लो मैंने LMW प्लांट के हिसाब से लिया, तो रेटर का प्लांट होगी तो थोड़ा ज़्यादा कास्टिंग पड़ेगा, इम्पोर्टेड मशीन होगी तो। और इसमें आप एक गाइडलाइन मिल जाएगा अपना, एक प्लांट लगाने से कितना पैसा खर्चा होता है। और बिल्कुल आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये 48 लाख लिखा था एक मशीन और ये तो 50 लाख में मिल रहा है या 40 लाख में मिल रहा है, वो सब अलग चीज़ है। आपको एक जस्ट गाइडलाइन देने के लिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक व्यूअर मेरे को पूछा था कि हम एक कंपैक्ट स्पिनिंग प्लांट लगाना चाहता है, 10 से 13 टन तक का पर डे का प्रोडक्शन चाहिए, उस हिसाब से अपन को कितना पैसा लगानी पड़ेगी प्लांट नया मशीन लेके प्लांट सेट करने के लिए। तो मैंने एक्सरसाइज करके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोग को कैसे लगता है एक बार देखने के बाद बताना। और मेरा चैनल, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और मेंबरशिप लेने के लिए मत भूलना। मेंबरशिप आप भी लीजिए, आपका दोस्त लोग को बोलिए, ताकि ये चैनल सर्वाइव करे। और ये पूरा प्योरली एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल चैनल में इतना अपना इसमें बेनिफिट नहीं मिलता, फिर भी लड़के लोग का फ़ायदा के लिए या टेक्सटाइल प्रोफेशनल का फ़ायदा के लिए हम चालू रखें। और आपको ये चीज़ अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेंबरशिप लीजिए। और देखिए टॉपिक जो होता है न्यू प्लांट सेटअप कॉस्ट, मतलब नया प्लांट जो लगाएंगे उसका कितना पैसा में अपना लग जाएगा। और मैंने लिया कंपैक्ट स्पिनिंग का प्लांट, कंपैक्ट मतलब उसमें कोम्ड भी रहेगा, थोड़ा बहुत कार्डेड भी ज़रूरत पड़ेगा रहेगा, अगर मटेरियल कम पड़ता है कभी कभी कार्डेड भी 2-3 मशीन डालना पड़ता है। तो ये कुल मिला के कंपैक्ट के लिए तो बना रहे, कभी दिक्कत जाए तो 2-3 मशीन कार्डेड भी चला सकते हो। वो स्पिंडल कैपेसिटी लिया देखो 20,064 स्पिंडल का, ठीक है 20,064 स्पिंडल का लिया। ऑटोडफिंग का प्लांट है ये जो 20,064 है, इसका ऐसा रहेगा देखो 1,824 स्पिंडल का 11 मशीन रिंग फ्रेम, ये 20,064 का हो जाएगा। तो उसमें प्रोडक्शन टारगेट रहेगा 10 से 12 टन पर डे का अपना धागा बढ़ाएंगे और एवरेज काउंट जो होता है 30 काउंट का लिए, एवरेज काउंट 30 काउंट का पकड़े अपन, ठीक है। फाइन काउंट लगाओगे तो उसी हिसाब से स्पिंडलेज बढ़ जाएगा और कोर्स काउंट लगाओगे और कम हो जाएगा। तो ये काउंट वगैरह इसीलिए लेना पड़ता है ताकि आपको मालूम पड़ेगा, अगर 10 से 12 टन का 30 काउंट का प्रोडक्शन निकालेंगे कितना कार्ड चाहिए, कितना ड्रफ्रेम चाहिए, कितना सिंप्लेक्स चाहिए, रिम फ्रेम कितना चाहिए, सारी चीज़ का कैलकुलेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप काउंट नहीं बताओगे, आप बोलोगे मेरे को 10 से 12 टन का माल बढ़ानी है, अरे भाई कौन सा माल बढ़ानी है, मतलब कोर्स बनानी, फाइन बनानी, मीडियम बनानी, वो क्लियर करना पड़ता है। ये आप समझ लो अभी पे 30 काउंट के हिसाब से बोल रहा हूँ। और ये देखिए जैसे अपन प्लांट चालू करेंगे, बेल प्लकर एक लगेगा, 48 लाख का एक मशीन का है और टोटल कॉस्ट में 48 लाख अपन लिखे। ऐसे ही वेरियो क्लीन देखो एक मशीन लगेगा 15 लाख का है या 15 लाख अपन लिए टोटल ब्लोरूम लाइन में। यूनिमिक्स में भी एक यूनिमिक्स रहेगा 18 लाख का है, 18 लाख लिखे। और बीटल स्कैन एक लगाएगा तो लगभग 24 लाख का आता है, 24 लाख लिखे कंटामिनेशन क्लियर। फ्लेक्सिकिन दो लगेगा, देखो अपना जैसे 12 कार्ड करेंगे ना, 6-6 कार्ड का लाइन करेंगे, एक यूनिमिक्स से 2-way डिस्ट्रीब्यूटर लग के मतलब दो लाइन हो जाएगा उसमें। और इसीलिए फ्लेक्सिकिन अपन दो पकड़े, 20 लाख का एक हुआ तो 40 लाख हो जाएगा, यहाँ दो मल्टीप्लाई हो गया। और कार्ड देखो LC361 ले, और इसमें 12 कार्ड लगाएंगे
35 लाख का एक कार्ड है तो 4.2 करोड़ हो गया। 35 लाख का एक कार्ड है, उसके बाद देखो ब्रेकर ड्रॉप फ्रेम डबल डिलीवरी वाला अपन 3 लिए, 35 लाख का एक मशीन है 1.05 करोड़ हो गया। और लैप फर्मर जो LS20 है, जो बढ़िया मॉडल है नया निकला, तो इसका एक लिए 50 लाख का है तो 50 लाख लिए। और कोम्बर LK69 6 कोम्बर लिए, 40 लाख का एक कोम्बर है 2.4 करोड़। आप ध्यान रखो LS10 जब लेते हैं, LS20 या LS15 जो भी लेते हैं, मैक्सिमम 6 कोम्बर फीड कर सकते हो, उससे ज़्यादा प्लानिंग नहीं करना। तो अगर LS20 लोगी तो 6 कोम्बर मैक्सिमम लेना। आप ऐसा नहीं कि LS20 एक लगा दिया, 8 कोम्बर लगा दिया, 7 कोम्बर लगा, ऐसे गलती नहीं करना, और रेशियो के हिसाब से करना। उसके बाद देखो फिनिशर ड्रॉप है अपन 4 पकड़े, 40 लाख का एक मशीन का 1.6 करोड़ हो गया। और सिंप्लेक्स LF4280 4 मशीन लिए, 4 मशीन 2.25 का एक मशीन हो गया समझ लो, और इसमें 9 करोड़ का लगेगा। उसके बाद इसमें देखो आपको जो भी बोल रहा हूँ, जैसे सिंप्लेक्स है या रिम फ्रेम है, वो सब BTS सिस्टम रहेगा, ऑटोमेटिक बॉबिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, उसी हिसाब से मैंने रेट वगैरह लिखा हुआ। और रिम फ्रेम देखो LR9 का ऑटो डोपिंग रहेगा कम्पैक्ट वाला, और इसमें 11 रिम फ्रेम जाएगा, 1.45 करोड़ का है, 15.95 करोड़ का एक मशीन हो गया। और उसके बाद देखो लिंक कॉर्नर अपन 36 ड्रम मैक्सिमम लिए, 36 से आप कभी 2 स्पिंडल कम कर दिया, कभी 36 रख दिया, ऐसे मैक्सिमम 36 स्पिंडल का लिए, तो 11 मशीन का 1 करोड़ के हिसाब से 11 करोड़ का लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मैंने 36 ड्रम लिया, समझ लो कभी आपने एवरेज काउंट 20 का रखना चाहते हो तो उसमें 40-42 ड्रम लेना पड़ेगा, तो जितना कोर्स काउंट होगा उतना ड्रम ज़्यादा रखनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत जाता है फिर। और वो नंबर पर स्पिंडल के हिसाब से भी ड्रम का कैपेसिटी लिंक कॉर्नर का लेना पड़ता है, समझ लो आपके 1824 के जगह आप 1632 लिया, थोड़ा ड्रम कम लोगे चलेगा, 1200 का लिया और कम लोगे चलेगा, तो एक आपको लगभग आइडिया रहेगा। अपन 36 ड्रम के हिसाब से लिए, YCP प्लांट ऑटोमेटिक लिए तो 1.1 करोड़ का, और कंप्रेसर 2 लिए 1 करोड़ का ईच, 2 करोड़ का हो गया। कंप्रेसर 2 इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि एक कंप्रेसर में कोई मिल नहीं चलाता, एक कंप्रेसर चला रहा है समझ लो फेलोर हो गया पूरा प्लांट बंद रहेगा, इसलिए 2 कंप्रेसर रखता है, एक कंटिन्यू चलता है, एक स्टैंड बाई में रहता है, ज़रूरत पड़ता है तब चलता है, नहीं तो बंद रहता है, लेकिन इसको 2 रखना पड़ता है। उसके बाद देखो बॉबिन स्पूल कैन आज पर स्टैंडर्ड, जैसे आप 20,000 स्पिंडल चला रहे हो, कितना आपको कटिंग का कैन चाहिए, कितना ड्राइंग का कैन चाहिए, कितना सिंपलेस बॉबिन चाहिए, कितना रिम फ्रेम बॉबिन चाहिए, मेरा एक इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो है, आप इसको देखिएगा, बॉबिन स्पूल कैन रिक्वायरमेंट कैसे देते हैं स्पिंडल कैपेसिटी के हिसाब से, मैंने बना रखा है, इसको देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा, ये सारी 1.5 करोड़ में आ जाएगा सारी चीज़। उसके बाद देखो लुआ प्लांट विथ WCS वेस्ट कलेक्शन सिस्टम और लुआ प्लांट ह्यूमिडिटी प्लांट, ये मैंने 4.5 करोड़ पकड़ा, वो टोटल मैंने जोड़ा इसको 56.25 करोड़ का हुआ। और इसमें देखो बिल्डिंग और लैंड कॉस्ट वैरी एरिया टू एरिया, समझ लो आप प्लांट बिल्कुल बॉम्बे एरिया के, बॉम्बे के आसपास लगा रहे हो, मेट्रो सिटी के आसपास लगा रहे हो, उसमें ज़मीन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा, मतलब ज़मीन का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, लैंड कॉस्ट बढ़ जाएगा, सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको देखो एक एवरेज में 3 करोड़ का लिया मैंने, ये जो रेट है ना 3 करोड़ जो डाला एवरेज में लिया, लेकिन इसको एरिया टू एरिया फर्क पड़ेगा, समझ लो किसी मालिक का ज़मीन बहुत अनाप शराब पड़ा है, इसको ज़मीन खरीदना नहीं पड़ा तो उसका खुद का ज़मीन में लगा दिया, वो बात अलग है। तो इसीलिए मैंने इसके साथ नहीं जुड़ा, इसके साथ जुड़ा और ये टोटल 59.25 करोड़ का हो गया। और मोटा मोटा आप देखो एक स्पिंडल में नया मिल अगर लगाना चाहते हो, एक स्पिंडल में खर्चा आपके आता है 28,000 से 30,000,
एक स्पिंडल आप जब लगाते हो 28 से 30 हज़ार, आपके 28 हज़ार से 30 हज़ार पर स्पिंडल ये खर्चा आता है। तो ये मान लो ये 60 करोड़ के आसपास हो गया 20 हज़ार स्पिंडल में, तो हो गया वही मतलब 30 हज़ार के आसपास खर्चा पड़ता है। और ये मतलब एरिया टू एरिया, आदमी टू एरिया आदमी, मतलब किस प्रकार का लेवल लगा कंस्ट्रक्शन के लिए, कैसे मतलब बिल्डिंग कॉस्ट पे काम करेगा, या एरिया बढ़िया से सेट करके मतलब कम एरिया में कर पाया, तो ये सब चीज़ माने रहता है। इसीलिए मतलब थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, लेकिन ये आप अप्रोक्सीमेट मान लो जब बिल्डिंग कॉस्ट वगैरह ले ला के पर स्पिंडल आपको 28 से 30 हज़ार तक पड़ेगा। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।